तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सीख चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बारी है। तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सोचो। सर, कोई बॉडी को ऊपर ले जाते हैं, किसी हाइट तक, हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का MGH सर। ये होता है क्या? ये बात सही है प्यारे बच्चों? ये सही है, बिल्कुल सही है। पूरा फोकस करो पढ़ाई पे, ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं। इधर उधर की सारी बातें भूल जाओ, पूरा फोकस पोटेंशियल एनर्जी पे, नो डिस्ट्रक्शंस। तो भाई प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है, ऐसा आप बोलना चाहेंगे। और आप सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा हमेशा गलत ही बोलता है, ठीक बोल रहा है भाई, बच्चा ठीक बोल रहा है, हाइट की वजह से आ गया, ठीक है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है बच्चों, कहानी इसके बियॉन्ड भी है, समझ रहे हो भाई? प्यारे बच्चों, हाइट की वजह से है एनर्जी। आपने एक तीर धनुष लिया, ओके, दशहरे के टाइम पे तीर धनुष लिया और ऐसे खींचा, खींचा, अब छोड़ेंगे तेजी से जाएगा, ऐसे स्ट्रेच किया, ऐसे किया और छोड़ेंगे तो तेजी से जाएगा, ओके। तो आपने यहाँ पर मेहनत की इसको स्ट्रेच करने में, स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अब इसमें भी कोई एनर्जी है, तो कुछ काम भी कर सकता है क्या? छोड़ेंगे तो तीर को तेजी से फेंक सकता है। तो इसमें अब ये जो शेप चेंज कर दिया हमने धनुष का, ठीक है, धनुष का भाई, धनुष का जो यहां पर हमने शेप चेंज कर दिया, तो प्यारे बच्चों वो जो एनर्जी आ गई होगी उसमें, उसको हम बोलेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। सही है, फोकस करो पढ़ाई पे लक्षिता एंड अदर्स, सभी बच्चे फोकस करो। तो तीर धनुष को ऐसे खींच लिया और छोड़ेंगे तो वापस जाएगा इधर, उसमें एनर्जी आ गई। हमने क्या किया? शेप चेंज किया। शेप चेंज करने की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसको हम बोलेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। गुलेल है, गुलेल को एक पत्थर लगा लिया, ऐसे खींचा, खींच रहे हम लोग, छोड़ेंगे तो वापस पत्थर को तेजी से वो करता है, तेजी से इधर करता है। तो प्यारे बच्चों, तेजी से इधर पत्थर फेंक रहा है, तो भाई गुलेल को जो खींचा आपने उसमें भी कोई एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब छोड़ेंगे तो उधर जाएगा तेजी से, ठीक है। तो आप खींचने में जो मेहनत करते हो गुलेल को, ठीक है, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ेंगे तो तेजी से पत्थर को उधर भेजने वाला है, फेंकने वाला है तेजी से, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसमें भी स्प्रिंग है, उसको खींचो, छोड़ेंगे तो वापस जाता है। क्यों? अपने आप वापस क्यों जाता है? क्योंकि एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओहो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, छोड़ेंगे तो वापस आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो भाई हाइट चेंज होने की वजह से, पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। साथ में प्यारे बच्चों क्या नाम है आपका, किसी बॉडी का शेप या साइज चेंज करने की वजह से भी एनर्जी होती है, उसको भी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाइट की वजह से तो है, शेप या साइज चेंज करने की वजह से भी है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का परफेक्ट डेफिनेशन और करेंगे भी सारा डेराइव क्या, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं बच्चों? पोजीशन की वजह से या फिर शेप या साइज चेंज होने की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं बच्चों। द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये बात। अब हम आगे चलेंगे। तो भाई अब एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पहला वो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं MGH वाला, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए भाई पहला फॉर्मूला आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये कोई बॉडी है, इधर की तरफ आप फोर्स लगा रहे थे F, इधर हो रहा था डिस्प्लेसमेंट S, इनके बीच में एंगल थीटा। तो भाई वर्क का फॉर्मूला था FS cos थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या था? FS cos थीटा था या नहीं था? था। वर्क का फॉर्मूला क्या था? FS cos थीटा था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है। तो भाई ये एच हाइट है, यहां से यहां तक एच हाइट है, ध्यान समझो। अब मैं किसी ब्लॉक को, ये कोई ब्लॉक है बच्चे, अरे हाँ भाई भाई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, इसका मास एम है, यहां पर है, इसको उठा करके मैं यहां पर ले जाना चाहता हूं, एच हाइट पर मैं ले जाना चाहता हूं। अब ध्यान समझना, आपको बड़ा बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे मैं ले जा रहा हूं किसी टाइम पर, मान लो यहां पर कभी पहुंचा, किसी टाइम पर यहां पर पहुंचा, कहीं पर पहुंचा, भाई इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? सर इसमें नीचे की तरफ लग रहा है MG। क्या कोई और फोर्स लगेगा? नहीं लग रहा, अभी तक तो नहीं लग रहा। भाई स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता तो टेंशन लगता, किसी सरफेस के टच में रहता तो नॉर्मल रिएक्शन लगता, ठीक है। तो भाई अभी तो कोई नहीं लग रहा, लेकिन आप ले जा रहे हैं तो आपको लगाना पड़ रहा है एक फोर्स। यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, FA बोल दिया, अप्लाई करना पड़ रहा है फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस मच ऑफ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है बच्चों। अब एक मजे की बात है, बहुत मजे की बात है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही आपने ऊपर लगा दिया। क्या बात कर रहे हो, उतना ही ऊपर लगा दिया। यस, फोर्स टू बी अप्लाइड वो है MG, आपने ऊपर उतना ही लगा दिया जितना नीचे लगा रखा है, ठीक है। सेंस मिला हुआ है ऊपर जाने का, स्लोली स्लोली जा रहा है ऊपर की तरफ, जा रहा है स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। तो यहां पर आप देखो, इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर गया। तो भाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एस का डायरेक्शन क्या, डैश किधर होगा? ऊपर होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है? बिल्कुल। आपने फोर्स किधर अप्लाई कर रखा है? वो भी ऊपर। तो भाई इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा यहां से यहां तक ले जाने का? बताओ कितना फोर्स क्या होगा? स्लोली स्लोली जा रहा है, स्लोली। तो भाई कितना वर्क किया होगा रे, कितना वर्क किया होगा? तो वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक टू हाइट H, ठीक है, by applied force। तो भाई यहां पर W आएगा, FA आएगा, S आएगा, cos 0° आएगा, क्योंकि भाई S भी ऊपर है, आप देख रहे हैं S किधर है? ऊपर है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो इनके बीच में एंगल क्या मिलेगा बच्चों? 0° मिलेगा। FA की वैल्यू क्या है? MG है। S क्या है भाई? यहां से यहां तक H है, cos 0 तो 1 होता है, तो W आ गया, MGH आ गया। स्लोली स्लोली आ रहे हैं, अल्ट्रा स्लो मोशन में, ठीक है। जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर फोर्स लगा दिया, और सेंस मिला हुआ है ऊपर जाने का, जाए जा रहा है, आराम से जा रहा है, यहां तक ले गया। तो FA ने भाई, वर्क हमेशा फोर्स करता है, तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया यहां से यहां तक ले जाने का? कितना भाई? इतना किया।
और आपने जो मेहनत की, कभी भी आप मेहनत करते हैं, मेहनत रंग लाती है, कभी बेकार नहीं जाती बच्चों। कभी हमें लगता है कि वो वेस्ट हो गया, कई बार आपने बहुत मेहनत की और तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, तो हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया। ओके, ठीक है, हमारा मेहनत बेकार चला गया, लेकिन नहीं, वो किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा, गारंटेड काम आएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। आपने जो यहाँ से यहाँ तक मेहनत किया, यहाँ तक ले जाने का, यही मेहनत, यही वर्क इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? MGH होगा यहां पर। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को आप U से भी दिखा सकते हैं, तो ये आ गया MGH। पोटेंशियल एनर्जी को आप U से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये होगा MGH होगा। क्या आप लोग सहमत है बच्चों? बताओ कोई डिफिकल्टी? ठीक है, अब आपको बताते हैं एक बहुत बढ़िया डाउट लक्षिता का। ठीक है, और ये सिर्फ लक्षिता का डाउट नहीं होगा, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, और यहीं पर फिजिक्स पढ़ाने में मुझे मजा आता है। हो गया, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब जरा कुछ मजे की बात करते हैं, जरा फील आने की बात करते हैं। ये क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कि भाई कि ऊपर MG नीचे लग रहा है, FA ऊपर लग रहा है, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो मूव कैसे कर गया? फिर मूव क्यों करेगा? ये तो रुका रहेगा, पड़ा रहेगा यहां पर। आप बोल रहे हैं मूव करेगा, यहां से यहां तक चला जाएगा, ये क्या चक्कर है? तो ये सिर्फ यहां नहीं, अनगिनत जगह पे मिलने वाला है, ग्रेविटेशन में भी, यहां वहां अनगिनत जगह पे। जरा इसको जरा ढंग से समझते हैं प्यारे बच्चों। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्या कि भाई आप देखो, पहली बात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता था किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो लगे और वो रुका हुआ है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है और रुका हुआ है तो रुका रहेगा, और अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में जाता भी रहेगा। क्यों भाई? यही तो सीखा था आपने कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुका रहेगा और रुके ही रहेगा, और जा रहा है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जाता रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इनर्सिया को यही बताता है, जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे, है ना, ऐसा देखा। अब आते हैं एक सिचुएशन में लेता हूं कि भाई यहां पर आप हो और आपके पास एक 50 किलो का एक पत्थर है और आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। मान लो कि आपको कि भाई जनकपुरी से उत्तम नगर ले जाना है, ठीक है, या आपको अपने घर से स्कूल तक ले जाना है 50 kg का पत्थर। तो अब आप देखो, यहां से आप एक 50 kg का पत्थर आ रहा है, आप ले जाओगे तो ले जाते समय अब ये बताओ, वेट तो नीचे लग रहा है पत्थर का, आप किधर फोर्स लगाओगे? किधर की तरफ फोर्स लगाओगे उस पत्थर के ऊपर? ऊपर की तरफ लगाओगे या उधर की तरफ लगाओगे जिधर आप जा रहे हो? किधर की तरफ फोर्स लगाओगे उस 50 kg के पत्थर पे, मुझे बताओ, कॉमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। 50 kg का पत्थर है, ऐसे उठा रखा है आपने और चल रहे हो। सभी बच्चे बोल रहे हैं ऊपर की तरफ लगाएंगे, सही बात है, मैं मान गया। और कितना फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ? चलो मान लिया आप लगा रहे हो कितना, जितना उसका वेट है उतना ही लगा रहे होगे? क्या उतना ही लगा रहे हो जितना उसका वेट है? ठीक है, जितना उसका वेट नीचे लग रहा है आपने ऊपर की तरफ उतना ही लगा दिया। ठीक है, और चल रहे हैं, बिल्कुल बराबर लगा रहे हैं, यस। आप लेकिन बॉडी को मूव किधर कर रहे हो? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप फोर्स नहीं लगा रहे, ऐसे 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 रख के चले गए, सिर्फ फोर्स आप ऊपर। तो फोर्स आपने लगाया क्यों? क्या मूव करने के लिए लगाया आपने? क्या उस बॉडी को मूव करने के लिए लगाया फोर्स? नहीं, आपने बॉडी को मूव करने के लिए नहीं लगाया। फिर क्यों लगाया? जो ऑलरेडी उस पर फोर्स लग रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाया आपने।
तो ये बहुत मजे की बात है फिजिक्स में कि आप फोर्स जो बॉडी पे लगा रहे हैं वो बॉडी को मूव करने के लिए नहीं लगा रहे, बल्कि उस पर जो पहले से फोर्सेस लग रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा रहे हैं। वाह, उस पहले से जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप लगा रहे हैं, बॉडी को मूव करने के लिए नहीं लगा रहे। बच्चों क्या मेरी बात से सहमत है आप? अब तो भाई ऐसा है तो नेट फोर्स आपने जीरो कर दिया, जितना इधर लग रहा है उतना इधर। अब अगर मान लो अब सेंस मिला हुआ उधर जाने का जाएगा, देखो ध्यान समझो, अब मान लो एक ऐसा रीजन है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स वेट नहीं लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो 50 किलो का पत्थर क्या 5000 किलो का पत्थर होता, 5000 केजी का भी पत्थर होता, और आप यहां से मान लो स्कूल तक ले जाना है आपको, कोई टेंशन नहीं है भाई, 5000 किलो का पत्थर है, ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स लग नहीं रहा, नीचे कोई नहीं लग रहा, तो ऊपर लगाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत, तो नेट फोर्स उस पर जीरो है, ग्रेविटेशन फोर्स लग नहीं रहा, आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, पहले लग रहा था तो ऊपर लगाना पड़ रहा था, अब 50 तो छोड़ो, 5000 किलो का पत्थर ऐसे हवा में है, अब आपको यहां से स्कूल ले जाना है, धो के ले जाने की जरूरत नहीं है, लक्षिता क्या करो, लक्षिता ये पत्थर है 5000 किलो का ह्यूज, ठीक है, उसको बस ऐसे आप एक बार ऐसे कर दो टक, एक बार टक कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, रुका है तो रुका रहेगा, एक बार टक कर दिया, सेंस दे दिया उधर जाने का तो उधर ही जाता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस तमाशा देखो भाई, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो अपने आप जाएगा, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो एक बार सेंस उधर मिला हुआ है तो उधर जाता रहेगा। बच्चों तो यहां पर देखो, समझो ध्यान से, ये कोई बॉडी है, नीचे फोर्स लगा था mg, उतने ही आपने ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा कि इसमें नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, और सेंस अगर ऊपर मिला हुआ है जाने का तो ऊपर जाएगा, और रुका है तो रुका रहेगा, लेकिन हम तो ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो एक बार इसे टक कर देंगे, टक कर दिया, एक बार सेंस ऊपर जाने का है तो स्लोली स्लोली ऊपर जाता रहेगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सभी को कि अपने आप अब स्लोली स्लोली जाएगा, बस जो पहले से फोर्स लग रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसके अपोजिट में एक फोर्स लगा दो। बच्चों क्या ये डाउट क्लियर हो गया? बच्चा अगर आपने ज्यादा लगा दिया ना फोर्स, ज्यादा लगा दिया, यस, अगर आप ज्यादा लगाओगे तो ऑब्वियस बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सलरेशन आएगा उसमें, बट हम एक्सलेशन नहीं चाहते, हम स्लोली स्लोली ले जाना चाहते हैं बच्चे, युवराज हम स्लोली स्लोली ले जाना चाहते हैं, ठीक है, हम एक्सलेशन नहीं चाहते अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो। हाँ, नीचे से उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आपको, लेकिन मैं ठीक है वो नहीं कर रहा, मैं स्लोली स्लोली ले जाओ, स्लोली स्लोली ले जाओ, तो हम स्लोली स्लोली यहां पर, तो भाई जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ऊपर लग रहा है, लगा दिया हमने नेट फोर्स जीरो, अब टक एक सेंस मिला हुआ है तो ऊपर जाता रहेगा, खत्म। और आप देख रहे हैं लगातार फोर्स एफ ए लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, थीटा जीरो हो गया, तो यहां पर प्यारे बच्चों एफ ए इंटू एस ये कर दिया आपने, तो एम जी एच कर दिया यहां पर, भाई एस की जगह ये लिख दिया, एफ ए की जगह एम जी लिख दिया, खत्म। तो ये जो वर्क किया आपने यहां से यहां तक ले आने में, यही वर्क इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एम जी एच। थैंक यू, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, मुझे बताओ क्लियर है? चलो फिर आगे करते हैं। अब ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, अब हम स्प्रिंग में बात करेंगे फिर। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हाँ भाई हाँ प्यारे बच्चों, हाँ भाई हाँ, यस, तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल और स्प्रिंग में बात करते हैं। स्प्रिंग की बात करूं स्प्रिंग क्या होता है? जो आपके पैन में लगा हुआ है ऐसे 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 घुमा रखा है वायर ऐसे ऐसे, अब जरा इस वाले टॉपिक को समझो ध्यान से। तो ये स्प्रिंग ऐसा आपने देखा हुआ, ये बहुत बढ़िया, चले
एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स. मैं अक्सर इसको एफ आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं. किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? एफ आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं. अब जरा ध्यान समझना, बहुत ध्यान से. रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है और कब लगता है किसी बॉडी पे? मान लो एक रबर है, चाहे गुलेल का हो चाहे कोई भी, उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो छोड़ेंगे तो क्या वो वापस अपने शेप में चला जाता है? इसको हमने खींचा खींचा खींचा, छोड़ेंगे तो वापस अपने शेप में चला जाता है क्या? चला जाता है. आप सोफे पे बैठे, सोफा दब गया, उठ के जब जाओगे तो क्या सोफा अपने शेप में वापस आ जाता है? आ जाता है क्या? हाँ सर, आ जाता है. सोफे पे बैठ के बहुत मजा आया था, लेकिन हाँ आ जाता है, वापस आ जाता है. यस, तो अपने शेप को रीगेन कर लेता है बच्चों, समझे? तो इस तरह की आप चीजों को देखते हैं कि आप जब तक उसमें फोर्स लगाते हैं उसका शेप या साइज चेंज हो जाता है. कोस्को की बॉली दबा दिया आपने, छोड़ो के वापस आ जाता है. तो इस तरह की जो बॉडीज होती हैं, मैक्सिमम बॉडीज, उसमें फोर्स लगाते हैं उसका शेप या साइज चेंज होता है. और जैसे ही वो फोर्स आप हटा देते हो तो क्या होता है? वो बॉडी अपना शेप या साइज रिगेन कर लेता है, रिगेन कर लेता है. तो प्यारे बच्चों, तो ये जो एक फोर्स उस बॉडी के अंदर डेवलप होता है, जब आप बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, जो बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं उसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं, या एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, या अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं. ठीक है, तो आप बाहर से जो अप्लाई करते हैं फोर्स, उसकी वजह से उसका शेप या साइज चेंज होता है. और शेप और साइज चेंज होगा तो उसके अंदर एक खास तरह का फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कोशिश करेगा उसको अपने शेप में, उसको अपने शेप में वापस लाने का. समझ रहे हो? उस फोर्स को हम बोलते हैं, वो जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. समझ रहे हो? तो क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन? क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन? चलिए भाई इसका डेफिनेशन लिखते हैं. अब क्या? ओ एन एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग मतलब जो शेप चेंज कर सकता है. डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी then an internal force develops in it which tries to bring the body which tries to bring the body into its actual shape and size. This internal force is called क्या? रिस्टोरिंग फोर्स. क्या ये बात क्लियर हो गई आपको कि भाई किसी बॉडी का शेप या साइज चेंज करने के लिए आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं, उसका उस इंटरनल फोर्स को हम बोलते हैं क्या? रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉडी अपने एक्चुअल शेप या साइज में वापस आती है. ओके, नोट कर लिया होगा डेफिनेशन, तो मैं इसको मिटाता हूं और जरा हम बात करते हैं स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, फिर हमें स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी सीखना है इसके बाद. तो मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं तो स्नैपशॉट ले लो. चलिए आगे चलते हैं. हां भाई, स्प्रिंग की बात करूं तो भाई प्यारे बच्चों, ये देखो ये एक्चुअल शेप है स्प्रिंग का.
ये एक्चुअल शेप है स्प्रिंग का, ऐसा है, ठीक है, ये एक्चुअल शेप है स्प्रिंग का। आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया इधर, आपने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया इधर, तो भाई चलो स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये आपने स्ट्रेच कर दिया ये, और मान लो यहां तक आपने स्ट्रेच कर दिया, सेम बॉडी है यहां पर। तो भाई यहां से देखो, पहले ये था, रेफरेंस के लिए बना दिया ये, और अब ये है। तो आप देखो इतना लेंथ यहां पर एक्स है, एक्स लेंथ तक आपने स्ट्रेच कर दिया। तो इसके लिए ऐसे ही स्ट्रेच नहीं होगा, इसके लिए आपको इधर फोर्स लगाना पड़ रहा है, एफ ए, अप्लाइड फोर्स, मैं डिनोट कर रहा हूं अप्लाइड फोर्स, ये आपको अप्लाइड फोर्स है जो आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, जो आपको अप्लाई करना पड़ रहा है इधर की तरफ। तो जब आप इधर खींच रहे हो, जब आप इधर स्ट्रेच कर रहे हो, ऐसे छोड़ोगे तो वापस जाएगा, तो इधर की तरफ, इसके अंदर इधर की तरफ एक खास तरह का फोर्स डेवलप हो जाता है, इसके अंदर एक खास तरह का फोर्स डेवलप हो जाता है। इस फोर्स को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और प्यारे बच्चों, आप देखो तीर धनुष लो या गोले लो, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो, छोड़ोगे तो धीरे पत्थर जाएगा, तीर जाएगा, ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा तेजी से वापस जाएगा, और ज्यादा स्ट्रेच करके छोड़ोगे और ज्यादा तेजी से फेंकेगा वो। तो आप देखो वापस एक्चुअल शेप में जाने के लिए और ज्यादा तेजी से जाता है, और ज्यादा तेजी से जा रहा है वहां पर। तो प्यारे बच्चों हो क्या रहा है वहां पर, रिस्टोरिंग फोर्स आप देख रहे हैं डिपेंड कर रहा है कि कितना ज्यादा स्ट्रेच किया, कितना ज्यादा स्ट्रेच किया उस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, नहीं, कितना ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे, छोड़ोगे, उतनी तेजी से उधर जाएगा, उतनी तेजी से उधर जाएगा। तो मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि भाई कितना उसका लेंथ चेंज हुआ। सो व्हाट इज एक्स इन दिस केस, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो यहां पर एक्स क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ओके, तो प्यारे बच्चों जरा यहां पर समझो, एक एक चीज समझो, आपको सारा क्लियर करेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे, आप समझते रहो जो मैं समझाता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। तो आपको यह पता चल गया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, व्हाट इज एक्स, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आप लिख सकते हैं कहीं पर। तो एक्स क्या है यहां पर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, मैंने बोला चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब ये लेंथ चेंज जो है, अभी तो मैं स्ट्रेच करने की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं स्ट्रेच करने की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उल्टा कंप्रेस करता तो भी वही होता भाई, कितना कंप्रेस करो किस स्प्रिंग को, छोड़ोगे तो वापस आता है, ठीक है, कंप्रेस करोगे छोड़ोगे तो वापस आता है, तो कितना कंप्रेस किया या फिर कितना इलोंगेट किया, दोनों ही हो सकता है एक्स। तो चेंज इन लेंथ मैंने इसलिए बोला। तो भाई प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, कैसे दिखा देंगे, साथ में यहां पर नेगेटिव आएगा, सर ये नेगेटिव क्या है, सर ये के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां पर के बारे में बोलूं तो के, वेयर के, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, समझे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, अच्छा जी, नेगेटिव साइन क्या बताता है यहां पर, हेयर नेगेटिव साइन सोच दैट, नेगेटिव साइन क्या बताता है, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, सोच दैट क्या, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एज ऑलवेज अपोजिट टू द, अपोजिट टू द
अप्लाइड फोर्स, जिधर आपने अप्लाई किया, देखो इधर खींचा है, समझो ध्यान से, इधर की तरफ खींचा है, इधर की तरफ खींचा है तो ये अप्लाइड फोर्स है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उससे जिधर भी आपने खींच रखा है। अरे पहले ये तो समझ लो यार, जो समझा रहा हूं उसको तो समझो, पूछ लेना ये, ठीक है, पहले इसको समझो नहीं तो ये छूट जाएगा। तो इधर की तरफ स्ट्रेच किया, इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग फोर्स, इधर की तरफ हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो ये है अप्लाइड फोर्स, तो उससे अपोजिट में लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, समझे। तो अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं इधर, छोड़ेंगे तो वापस जाता है भाई अपने शेप में, कैसे वापस लाएगा, कहीं पर भी स्प्रिंग हो, किसी भी तरह का स्प्रिंग हो, कुछ भी हो, आप ये खुद समझ लो कि भाई जिधर आप ऐसे स्ट्रेच करो, अप्लाई किया इधर आपने फोर्स, तो भाई आपने इधर स्ट्रेच कर दिया, शेप चेंज कर दिया, तो ये क्या चाहेगा, अपने वापस अपने शेप में वापस आने के लिए चाहेगा या नहीं चाहेगा? सर बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा, तो इधर की तरफ लगेगा, कंप्रेस करो इधर लगेगा। तो कहीं पर भी किसी भी तरह का है, अगर आप शेप जिधर भी चेंज करना चाहोगे अप्लाई करके, इधर खींच रहे हो आप, तो भाई वापस आने के लिए लगेगा, अपने शेप को वापस आने के लिए। अब अगर मैं बना दूं ऐसा भाई, कंप्रेशन का बना देता हूं कि ये एक्चुअल शेप है स्प्रिंग का, ये एक्चुअल शेप है स्प्रिंग का, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंप्रेस कर रहा हूं, धक्का मार रहा हूं इधर की तरफ, तो ये कंप्रेस हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया यहां पर, क्योंकि आपने अप्लाई किया इधर, तो ये है एफ ए अप्लाइड फोर्स, ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स है यहां पर, समझो जरा बहुत ध्यान समझो। तो आपने इधर धक्का मार दिया, इससे हुआ क्या, इसका लेंथ चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ इसका लेंथ बताओ, कितना चेंज हुआ इसका लेंथ, ये इस रेफरेंस को लिखा इधर वाला, तो ये इधर वाला, तो इतना लेंथ इसका चेंज हुआ, इतना लेंथ चेंज हुआ, देख रहे हैं आप, इतना लेंथ चेंज हुआ, ये एक्स है, दिस इज चेंज इन लेंथ। तो भाई अगर आप खुद सोचो समझो, स्प्रिंग को अगर ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे तो क्या ऐसे बाउंस बैक नहीं करेगा, क्या वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा बताओ, अगर आपने इधर धक्का दे दिया, इधर धक्का दे दिया, तो वापस आने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जो कोशिश करेगा इस ब्लॉक को वापस अपने शेप की तरफ ले जाने के लिए, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स, और ये होगा माइनस का के एक्स, नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि जिधर आपने अप्लाई किया फोर्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगा, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड तो के एक्स है, तो एफ आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, के एक्स है, समझो, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है यहां पर और कुछ नहीं बता रहा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, रिस्टोरिंग फोर्स दो ही केस होगा स्प्रिंग में, तीसरा कोई केस नहीं है भाई, या तो एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, या तो इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे, आपकी बात बनेगी। अब ये क्या होता है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने बोला, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग होता है बच्चों, और स्प्रिंग कांस्टेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई ये स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो आपने देखा आपके पेन में भी स्प्रिंग है, अब ध्यान समझो स्प्रिंग बनता कैसे, कैसे बनेगा, तो भाई बनता कैसे है कि ये इस तरह का कोई चीज लिया और ये वायर लिया और ऐसे घुमा दिया भाई, ऐसे घुमा दिया, देख रहे हैं ऐसे घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया जाता है तेजी से, और ये जो बन जाता है वो अब स्प्रिंग हो जाता है, समझ रहे हैं, वो वायर अलग होगी, स्टील वगैरह की वायर होगी, आप समझिए इसको, तो इस तरह से स्प्रिंग बन जाएगा आपका, ये तो हट गया, समझ गए होंगे आप। अब स्प्रिंग जो बनाया जा रहा है किसी वायर से बनाया जा रहा है, स्टील के वायर से या किसी और के वायर से, तो उसका खुद का थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, किस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है, बाय विच द स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ, हो रहा है ना क्लियर। दूसरा कि भाई जो स्प्रिंग है
उसका एक्चुअल या नेचुरल लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट किस पे? नेचुरल लेंथ पे। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। डायमीटर का मतलब ये जो चीज है, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ऐसे लपेट के बनाया गया, तो इसका खुद का डायमीटर क्या है, ये कम है या ज्यादा है, तो उसी से आपको मिलेगा डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो डायमीटर है आप देखोगे, इस पे डिपेंड करता है कि ये जो डायमीटर आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। चौथा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल। भाई स्प्रिंग जो बना हुआ है वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है, कॉपर से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, भाई किस मटेरियल से बना है? नेचर ऑफ मटेरियल। तो मैंने कितने नाम लिए? चार नाम लिए, ठीक है। खास तौर पे इन पे डिपेंड करता है कि भाई जिस वायर से आप बना रहे हो उस वायर का थिकनेस क्या है, दूसरा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है, तीसरा कि भाई इसका डायमीटर क्या है स्प्रिंग का, ये जो स्प्रिंग बन रहा है इसका डायमीटर क्या है बच्चों, तो इसका डायमीटर कम है ज्यादा है क्या है, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल, भाई किस मटेरियल से बना हुआ है ये वायर, स्टील का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इन चार चीजों पे डिपेंड खास तौर पे करता है। समझ रहे बच्चों? ठीक है, यस। तो बिल्कुल डिपेंड करता है इन चीजों पे। तो आप देखो आपके बाइक में सॉकर है, ठीक है, उसका वो कितना मोटा है, आपके पेन में भी है वो स्प्रिंग होता है कुछ पेन में, तो उसका देखो, तो दोनों का अलग अलग होगा। ट्रेन है, ट्रेन में भी होता है भाई ये स्प्रिंग, ठीक है, शॉकर। जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, ट्रेन में ऐसे भी होता है ताकि एक एक बोगी दूसरे से टकराए तो स्मूथली टकराए, और ट्रेन वो जो पहिए होते हैं वहां पर भी होता है। कार है, बिना ये शॉकर के, बिना स्प्रिंग के कार बाइक की कल्पना भी मत करो। आपके जो गड्ढे वाले रोड है ना उनकी हालत खराब हो जाएगी, आप बैठ नहीं पाओगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो पैदल चल लेते हैं गाड़ी से, अगर आपकी दुनिया से स्प्रिंग हटा दिया जाए, शॉकर्स हटा दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, ठीक है। तो आप स्मूथली जाते हैं, बहुत मजा आता है आपको, तो से थैंक्स टू स्प्रिंग, थैंक्स लिखो, ठीक है, स्प्रिंग को मन से थैंक करो, समझ रहे हो। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें बताई स्प्रिंग से रिलेटेड बच्चों, और अब हम करेंगे, अब